भाई कश्मीर को क्या बेहतर करना है, पहले अपना मुल्क तो बेहतर कर लो, अपना लाहौर बेहतर कर लो, अपना पाकिस्तान बेहतर कर लो। यहाँ पे तो कोई पहले इसको तो देख लो, बात ये कि अपना घर में आग लगी हुई है और आप जा रहे हो कश्मीर को ठीक करने के लिए। इंडियन जो इस वक्त आप कहते हैं ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखें जो चीज़ जहाँ पे है वो उसको आप ना भी माने तो वो वैसे ही है। इंडियन डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो इतनी फास्ट और इतनी क्विक हैं, उसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, आईटी सेक्टर उनका बहुत टॉप पे जा रहा है। आप उनके यूट्यूब पे आप वीडियोज उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसके बाद पाकिस्तान में भी इंडिया डेवलपमेंट करेगा? अब पहले तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी, जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये ये रेट है। क्या आपने इंडियन प्रेसिडेंट उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें हम आगे निकलते हैं? दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी। वो आगे देख लें टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में वो आगे से आगे निकलते ही जा रहे हैं, ठीक है। हम किस चीज़ में फंसे हुए हैं मुझे नहीं पता, पता है लेकिन आई वॉन्ट से नहीं, आप उस तरीके से बात नहीं उसके ऊपर करना चाह रहे बात। मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्या होता है, बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, कि इंसानियत का ख्याल किया जाए। मतलब बात ये कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले उसका मजहब पूछेंगे कि भी आप का... फिर तो अच्छा लगेगा बात करके। और इनसे ये भी पूछूंगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कश्मीर के हवाले से, नेबर्स के हवाले से, इंडिया की अगर बात करें या ओवरऑल। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कश्मीर से ही बात स्टार्ट करते हैं फिर उधर आते हैं आगे, मुझे बताएं कश्मीर 76 साल से इशू चल रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, जज्बाती स्टेटमेंट और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। अभी जो है यहाँ इंडिया की अगर बात करें उनके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में हमारे यहाँ पे क्या हो रही है। इवन अब रिसेंटली उनकी पार्लियामेंट में ये कह दिया गया है कि भाई हम पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी आके डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए सीटें भी रखी हैं उन्होंने, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, इस हवाले से मैंने सुना है। और मेन चीज़ जो देखने की है उसमें आम बंदा भी ये देख रहा है कि जो कश्मीर में आप देखें ना, सिंपल सी भी बात की जाए, एक आम बंदा भी जानता है वहाँ पर इंग्लिश स्टैंडर्ड बेहतर है। हमारे पाकिस्तान में स्कूलिंग में अगर देखा जाए तो वो चीज़ डेवलप हो ही नहीं पा रही, गवर्नमेंट स्कूलिंग्स में देखा जाए तो वो चीज़ अभी तक उस लेवल पे हम पहुंच ही नहीं पाए। एजुकेशन सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम से बहुत स्ट्रांग है। इंडियन जो इस वक्त आप कहते हैं ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखें जो चीज़ जहाँ पर है वो उसको आप ना भी माने तो वो वैसे ही है। हम कह रहे हैं नहीं जी नहीं, बहुत से लोग कहते भी हैं कि नहीं जी इंडिया में कुछ नहीं है, गुर्बत है, ये है वो है, तो भाई जो रियलिटी है वो तो कहीं छुपाई नहीं जा सकती। वो अगर देखें डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चांद पे पहुंच गए, पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने अचीवमेंट की है, हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। देखिए डेवलपमेंट्स हमारे भी हो रही हैं लेकिन या तो वो छुपी हैं या बहुत कम, जिसको कहना चाहिए स्केल में। इंडियन डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो इतनी फास्ट और इतनी क्विक हैं, उसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, आईटी सेक्टर उनका बहुत टॉप पे जा रहा है। आप उनके यूट्यूब पे आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और आप किसी भी सिस्टम की कंट्री की अगर आप बुनियाद देख लें तो एजुकेशन सिस्टम ही है, ठीक हो गया। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है मुझे, मेरा ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आप इस वक्त देखें टेस्ला कार्स इंडिया में बन रही हैं, एट द रिसेंट अभी ये आपके सामने है, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑन द कंट्री पाकिस्तान में देखें, अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ वो उसमें अपना पढ़ रहा था कि ऐसी बैटरी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने डेवलप कर ली है जो साउंड से रिचार्ज होती है। अच्छा, दिस इज द रिसेंट वन टुडेज़। ये मैं आज की आपको अगर यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, अगर वाकई में ऐसी खबरें यहाँ पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान के हमें चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम तक ये खबर पहुँचती नहीं, या तो उसे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इसके ऊपर, हाईलाइट ही नहीं किया जाता। देखे ना, कोई भी इशू पे मैं अगर बात कर रहा हूँ मुझे कहीं से नजर आएगी तो ही मैं उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, हमें तो पता ही नहीं चलता। फिर इसका मतलब है लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमारे अदारे हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ऐसे इश्यूज को ऊपर लेके आए जाए। असल में इसमें दो तरह से चलती हैं, देखें आप इंडियन यूट्यूबर्स को उठा के देखें वो अपनी हर चीज़ को इन्हेंस करते हैं। हमारे यूट्यूबर्स आप उनके व्लॉग्स देख लें, चेक कर लें, खेल तमाशा
और वो बहुत ज्यादा चलेगा, आपको नजर आएगा। लेकिन सर जो एजुकेटेड बात करता है या किसी वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करता है तो उसे देखा नहीं इतना जाता। लाइक अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बहुत लोग इसे देखेंगे या लाइक करेंगे? इसमें मेरा तो ख्याल है कि वही लोग ज्यादातर इंटरेस्ट से लेंगे, या जो जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, या जिनको एजुकेशन से कुछ लगाव है, या जिनको ये दुख है कि हमारा मुल्क पीछे क्यों रह रहा है, या जिनको इस चीज़ से है कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे, हमारे में क्या शॉर्ट कमिंग है कि जिसकी वजह से हम अभी तक यहीं पे। और हम अपने पिछले, देखें एक बात मैं ज़रूर कहता होता हूँ, हम फ्रेंड्स में भी जब बैठे होते हैं कि देखें 76 साल जितने भी साल हुए, जो गुजरना था वो गुजर गया, वी शुड हैव टू टेक अ न्यू स्टार्ट, यहाँ से नया स्टार्ट लें तो हमारा डेवलपमेंट कल से भी, बल्कि आज से ही स्टार्ट हो सकता है। और यंग जनरेशन, हाँ, इसको बहुत लोग कहते हैं कि जी यंग जनरेशन ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, यंग जनरेशन ही ऐसा कुछ कर रही है जो कि इस वक्त डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। बस ये इशू ये, हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा उस तरीके से, कोई भी फील्ड हो, जैसे अभी आपने बताया कि भाई ऐसी बैटरी चार्ज की, मैं इसके ऊपर जाके जरूर देखूंगा और खबर हुई तो इसके ऊपर कोशिश करूंगा, हम वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और चिश्तियां का आई थिंक वो स्कूल है, आई हैव अ कंप्लीट रिपोर्ट, आई विल गिव इट टू यू, मैं इंशाल्लाह उसका आपको सेंड आउट कर दूंगा। चिश्तियां का स्कूल है और उसके स्टूडेंट ने ये किया है, इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। असल में हम लोग एक और चीज़ ये करते हैं कि हम एक बंदा कुछ कर रहा है हमारे पाकिस्तान में अक्सर, तो हम उसकी लेग बोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, तो मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दूसरे बंदे को जेलसी स्टार्ट हो जाएगी, तीसरा बंदा कहेगा ये दोनों इस चीज में लगे हुए हैं तो मैं इससे फायदा उठा के मैं इसको अपना नाम क्यों ना दूं। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं ओपनली कहता हूं, जो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाए, इसलिए जो बंदा डेवलपमेंट की बात करेगा, जो बंदा ये कह देगा कि भाई देखो इंडिया से लैदा हुए आज इंडिया किधर चला गया, हम क्यों नहीं उस पोजीशन पे पहुंच पा रहे, हम क्यों नहीं एजुकेशन में मुकाबला कर रहे, टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर रहे, उधर ये कह दिया जाएगा ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो एजेंट हो गया। देखिए इसमें ना एजेंट का रोल है, ये बच्चे को नजर आ रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली आपने बात की, वहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, हमारे यहाँ पे लोग डर चुके हैं, बड़ी साफ वाजह बात करूँगा, जो बंदा टेक्नोलॉजी या कुछ डेवलपमेंट की तरफ जाता है ना, उसे या तो वो बंदा नहीं रहता या उसको गायब कर दिया, पता नहीं क्या होता है, वो कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, ज़मीन कहाँ जाती है, आसमान निकल जाता, पानी से चलने वाली एक गाड़ी का भी सुना था। हाँ, और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, ये भी रिसेंटली इन्हीं डेज की न्यूज़ है, इसी इन्हीं डेज की न्यूज़ है कि हाइड्रोजन कार जो है दैट इज़ आल्सो डेवलप्ड, सोलर पे चलने वाली भी कार का एक सुना था। जी जी। अच्छा चले कश्मीर की बात करते हैं, आज कश्मीर के लोग सोशल मीडिया पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं, वो यहाँ पे भी आटे का रेट देख रहे हैं, वहाँ पे भी आटे का रेट देख रहे हैं, वो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें देख रहे हैं और वहाँ पे भी सड़कें देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कश्मीर के लोग? देखिए कश्मीर क्योंकि आप यूँ कह लेना निगलेक्टेड कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे अनासर हैं, मैं उनको नहीं वो हाईलाइट ना कर सकते हैं और पता नहीं अगर हम करेंगे तो वो सही भी होगा कि नहीं, बिकॉज वी डोंट नो द रियल स्टोरी, रियल बिहाइंड द थिंग। असल चीज़ ये है कि जो कुछ इंटरनेशनल मैटर्स हैं उनको तो इंटरनेशनली हैंडल करना चाहिए, और वो कोई अच्छा समझदार और जो मुखलिस है दीन से भी और अपने मुल्क से भी, वो लीडर ये काम कर सकता है, जो अपने मुल्क से मुखलिस नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ डेवलप कर सकता। सर आप मुझे बताएं ये सोच पब्लिक में कैसे आ सकती है, आप अपने जो आपके स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं कश्मीर के हवाले से, क्या पढ़ाते हैं इंडिया के हवाले से, ये पहले मुझे देखें। मेरी स्टूडेंट से अपने जिस वक्त ड्यूरिंग द स्टडी डिस्कशन होती है उसमें देखें, जो डिवेलप जो चीज़ कर रहा होता है हमें उसका एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको आपका कहना चाहिए उसने ये चीज़ की है, ठीक है, सच छुप नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर ले, ठीक है, आज आप नहीं मान रहे तो क्या दुनिया नहीं मान रही, दुनिया मान रही है। और बहुत से लोगों ने जब इंडिया चांद पे चंद्रयान उनका गया तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में ये कहा कि भाई नहीं नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये क्या दुनिया ने तो माना क्योंकि वो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, असल में बहुत सारा काम जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमारे यहाँ पे हो रहा है और वो या तो वो स्टॉप, इसे कहते हैं ना कि आगे चल के स्टॉप हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे होते हैं जिनको हमें नहीं पता होता, वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद जाके पता लगता है कि इस पे कुछ काम हो चुका हुआ है। 20 साल पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, आज पता चलना चाहिए ना। यस, तो क्यों नहीं, इसका मतलब हुए नहीं ऐसा काम। इसमें असल में होता यह है कि बाजू का तो वो सामने आ जाते हैं और अगर उसमें सक्सेस ना हो तो बाजू का तो सामने ही नहीं आते,
और कुछ चीज़ें जो कि आपको हमें नज़र आ रहा है कि निगलेक्टेड हैं, जो आपको भी पता होगा मुझे भी कि ये चीज़ें हो ही नहीं रही, ठीक है। अब आप कश्मीर के हवाले से, जैसे कि आपका एक फोकस है, तो कश्मीर के हवाले से जैसे मैंने पहली बात की थी कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारे से स्ट्रॉन्गर है, उनकी साइड पे भी और हमारे कश्मीर में भी। इवन आई नो, यस, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स वो कश्मीर के हैं और वहाँ के स्कूल्स की वो उनकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड दैट इज़ मोर गुड, ठीक है, वो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है, उनका एजुकेशन वहाँ पे बेहतर है। कुछ स्कूल जो हैं वो नहीं कर रहे होते वो, और ऑब्वियसली वो हमारे पास भी एक दो स्टूडेंट आए थे वहाँ से, उनका नहीं था वो। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें गवर्नमेंट लेवल पे कितनी है, वहाँ पे इंडिया साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने तो काफ़ी बनाई हैं, हमारे यहाँ पे 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टूडेंट यहाँ लाहौर आते हैं या इसी एरिया में आते हैं? देखें, दैट इज़ वेरी सिंपल कि जब एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं होगी वहाँ से लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कुछ है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिजनस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जहाँ से हमें जाने का मौका मिल सकता है। HEC में मैं कुछ अर्सा रहा हूँ तो उस वक्त मैंने देखा था कि दैट वाज अ वेरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड टाइम, कि जिस वक्त इंडिजनस स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा थे और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, कश्मीर पाकिस्तान के बाकी सूबों से वहाँ पे लोग के उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे थे और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी उनको मिल रहे थे, फॉरेन स्कॉलरशिप्स इनको कहा जाता है। तो कहने का मकसद है जब कोई काम करने वाला बंदा आता है तो काम होते हुए नजर भी आता है। लास्ट में ये बताते हैं, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है, कोई आपको ये ऐसा फील होता है कि भाई हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं नेबर के साथ, इंडिया के साथ, हम उनसे सीख सकते हैं? जैसे आपने बोला वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत बेहतर है, तो ऐसा कुछ हो कि भाई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएं सीखें, कोई ऐसा माहौल बने? इसमें मैं 2 बातें कहूँगा यहाँ पे, और बड़ी क्लियर सी 2 बातें कहूँगा। एक तो यह कि आपने इंडियन प्रेजिडेंट, उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। That was a very big thing. मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी इशारा। हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है जी इंडिया से लड़ाई, इंडिया से ये वो, या इंडिया ये कर रहा है, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, इन्हें करने दे। बिल्कुल, इसका दूसरा मतलब ये था कि जब लड़ाई होगी तब देखा जाएगा, तद देखा जाएगा जब लड़ाई होएगी। वो आगे देख लें टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो आगे से आगे निकलते ही जा रहे हैं, ठीक है। हम किस चीज़ में फंसे हुए हैं मुझे नहीं पता, पता है लेकिन आई वॉन्ट से नहीं, आप उस तरीके से बात नहीं उसके ऊपर करना चाह रहे, बात नहीं करना, ठीक है। हमें बेसिकली मसलों को डिस्कस करने के बजाय हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अब कर क्या सकते हैं और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, या तो देखें ना, आप अपने पाँव में पत्थर बांध के कब तक खड़े रह सकते हैं, और उस पत्थर के साथ अगर पानी में छलांग लगा देंगे तो फिर तो डूबना ही है। देखिए जी, ऐसे अगर टीचर देखें, खुशी होती है अक्सर हम अनएजुकेटेड लोगों से बात करते हैं, बड़ी बड़ी जज्बाती स्टेटमेंट भी कुछ लोग देते हैं, और बड़ा हैरत होती है, अफसोस होता है कि 2023 में भी पाकिस्तान में लोगों की ऐसी सोच है। लेकिन जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी जागती है कि यार नहीं, आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लोगों में भी अवेयरनेस आएगी, शऊर आएगा, पता चलेगा कि यार किसी से लड़ना नहीं, अगर मुकाबला करना है तो टेक्नोलॉजी में करना है, एजुकेशन में करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में करना है। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो यूथ है या आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कैसे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, हम क्या ऐसा करें कि हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर हो, सोशल मीडिया पे हमारे कनेक्शंस हो, हम उनसे सीखें? सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने आप को एजुकेटेड करें। देखें, इल्म हासिल करना हम पर फर्ज है, हमारा दीनी फरीजा पूरा होगा, अल्लाह ताला भी खुश होंगे हमसे, और हमारे हर चीज़ में बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह ताला की बात को फॉलो करें और बरकत ना हो और डेवलपमेंट ना हो, होगी, हो के रहेगी। दुनिया जो आज इतनी तरक्की कर रही है वो एजुकेशन की बेस पे कर रही है, पहली चीज़। स्टूडेंट्स को जो मैं अपने एक थॉट देता हूँ, ये करता हूँ कि आप इसलिए नहीं पढ़ो कि आपने नंबर्स लेने हैं, आप इसलिए पढ़ो या इसलिए सीखो या इसलिए याद करो कुछ भी, कि आपको उसका पता हो कि ये है क्या, अंडरस्टैंडिंग हो। और दूसरी एक चीज़ मैं उनमें जो भरने की कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स में, वो होती है उनके अंदर रिसर्च ओरिएंटेड थॉट, कि वो हर चीज़ को खुरेदें, रट्टा सिस्टम ना हो, वो खुरेदें। कप भी है तो पूछे सर ये कैसे बन गया, ठीक है, थर्मोपोल का कप है, ये इस कैसे बना है, हम अगर इसमें पी रहे हैं इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, इसका कोई नुकसान है कि नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य अपने स्टूडेंट का बताता हूँ। मैंने अपनी क्लास में टास्क दिया कि आपने घर जाते हुए अपने एक काम करना है कि आपने नोट करना है कि जहाँ जहाँ से आप गुजरें कि कोई फूल या कोई चीज़
उसका जो बर्ड है वो गिरा हो तो आपने वो या तो नोट करना है या उठा के ले आना है। अगले दिन उनमें से एक बच्चा वो लेके आया और मुझसे आगे पूछता, सर ये किस चीज़ का है? अच्छा, मैं उसको पहचान गया था, मैं उसको आंसर करना चाहता तो मैं फौरन बताता। मैंने उसे कहा, बेटा आज आपने ये करना है कि आपने जाते हुए नोट करना है कि क्या उस दरख्त पे कोई फूल या उस पे कोई फल लगा हुआ था। वो बच्चा नेक्स्ट डे दोबारा वो नोट करके आया, सुबह असेंबली टाइम से पहले वो भागते हुए मेरे पास आया ऑफिस में, सर वहाँ पे तो अनार लगे हुए थे। अब मैं उसको बता देता तो उसमें ना वो क्रेज़ रहता ना वो ढूंढ पाता। अब वो क्लास 6-7 का बच्चा अगर ये चीज़ कर सकता है तो मेरा ख्याल है हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल तो इससे बहुत आगे कुछ कर सकता है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाने की जरूरत है, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में है और शायद इसी वजह से वो आगे हैं। आगे हैं। अब जहाँ पे बात आ जाती है नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात की, देखें इंटरनेशनल पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि जिनसे जहाँ से जिससे हम फायदा उठा सकते हैं उसके साथ फायदा उठाएं, और जिसके साथ आप ट्रेड में फायदा उठा सकते हैं, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, जिस भी सेक्टर में, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से या ह्यूमन जिसे कहते हैं कि आप मैन फोर्स के लिहाज से, आप पहले भी तो दूसरे मुल्कों में भेजते हैं लोग, तो क्या इन मुल्कों के साथ आपकी ऐसी ट्रीटी नहीं हो सकती कि आप इतने स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो आप रिलेशन बेहतर हो, बिल्कुल जिनकी वजह से रिलेशन बेहतर हो। आपका जब रिलेशन बेहतर होंगे दुनिया में आपका स्ट्रेचर वैसे ही हाई हो जाएगा, आप पीछे रह ही नहीं सकेंगे। दूसरी चीज़ कि अपने बच्चों का हमारे हम आइसोलेट होके पड़े हुए हैं, मतलब हमारे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं है, इवन इस्लामिक कंट्रीज के साथ उतने रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के हमारे यूथ में इस वक्त एक होपलेसनेस वाली कंडीशन है, इसीलिए तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, बच्चे बाहर जा रहे हैं, यूथ बाहर जा रही है। मतलब एक यंग है ना, मैट्रिक नहीं कर रहा बच्चा, वो कहता है जी यार मेरा किसी तरह मौका मिले तो मुल्क से चला जाऊं, मेरे मामा बाबा, वो एक माहौल ऐसा यानी कि लोगों में मायूसियां फैल रही हैं। और पहली बात तो यह है इधर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, हालांकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मौके फराहम नहीं किए जा रहे कि लोग यानी कि इस तरफ से फ़ायदा उठा सके। जाहिर बात है टैलेंट बहुत ज़्यादा, ये हर दफ़ा पाकिस्तान की पब्लिक कहती है, हमें सुनाया जाता है, कहा जाता है, हम देखते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब हम उस टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो बाहर जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पर जाके मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। खैर, अच्छा लगा सर से बात करके, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से इन्हें टाइम, मतलब इनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये फिर टाइम दें किसी टॉपिक के ऊपर बात करें। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत सर बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलरेज खान। क्या करते हैं खान साहब? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस शुक्र अल्लाह का, लेकिन वो तेजियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का चल रहा है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 76 साल से हम सुनते आ रहे हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके लिए जंगें भी की, बड़ा कुछ किया, लेकिन आज भी वो इशू वैसे का वैसा मौजूद है। लेकिन दूसरी साइड की अगर बात करें, वहाँ इंडिया की जो अगर पार्लियामेंट की बात करें, वहाँ पे अब इंडिया साइड कश्मीर के बाद पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात हो रही है। 24 सीटें भी उन्होंने रखी हैं इस साइड के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है हम बजट देंगे, हम प्रॉपर यहाँ पे अब डेवलपमेंट करेंगे इन लोगों, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसके बाद पाकिस्तान में भी इंडिया डेवलपमेंट करेगा? अब पहले तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी, जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये ये रेट है, तो वो उधर सब्जी की बात, चावल सब्जी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, हर चीज़ की बात कर रहे हैं। आज ही मैं अपना बिल देख रहा था, बिजली का बिल में उसमें जो है वो टेलीविज़न का टैक्स लगा था 400 कुछ, जो जो कुछ भी। अब हमारे घर में तकरीबन ज़्यादा लोग रहते हैं, 4 मीटर लगे हुए, तो टीवी तो मेरे ख्याल 2 हैं घर में, और तकरीबन हर बिल के ऊपर जो उसका वो 400 रुपया अलहदा से टैक्स आया। कितना बिल कितना आया ये बता? बिल का तो कोई पता नहीं है, मतलब उसमें ये है कि आजकल बिजली कम इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये है कि जिन का कम यूनिट है उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, और जिनका ज़्यादा है मतलब अजीबोगरीब सा, साहब कोई समझ ही नहीं आती कि अभी क्यों। कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे कि देखना ये बिल की बात भी वहीं से है ना कि कश्मीर वाले किसके साथ खुश हैं, कश्मीर वालों को जहाँ इंडिया के इंडिया ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है तो उसके साथ खुश होंगे। आप देखें ना, आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर मैं आपको खुश रखूँगा तो
आप मेरे साथ खुश रहेंगे। अगर वो बंदा आपको खुश रखेगा, अगर इस लिहाज से सोचे ना, अगर तो मैं ये सोचूंगा जी कश्मीर मेरा है, मेरी जगह है और वो जनाब मुसलमान रहते हैं तो जो कुछ भी है, ये देखें वो कुछ कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही है, देखें ये चीज़ देख, उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है कि एक साइड पे 170 रुपये और दूसरी साइड पे सिर्फ 20 रुपये 30 रुपये किलो आटा होगा। बिजली का यूनिट देख ले, यहाँ पे तकरीबन 60-50 रुपये के राउंड पोर्ट पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ 4-5 रुपये और 200 यूनिट तो फ्री देते हैं यूनिट, और फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी आवाम को। और मतलब लाजमी बात है, अगर वो खुश हैं तो उनको खुश रहने दिए। वहाँ पे आपने अपने मुल्क को पहले संभालें, पाकिस्तान को। अब देखें ना यहाँ पे क्या हालात हैं, ये किस तरह चल रहा है, लोग जो है हम देखते हैं कि अपने से नीचे ज़रा आप देखें गाँव क्या हालात हैं। आप पहले उनको तो संभालें, कश्मीर को बाद में जाके देख लेंगे कश्मीर का क्या करना है आपने। बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन ये एजुकेट कैसे किया जाए लोगों को, कैसे बताया जाए कि भाई पहले अपने लाहौर को देख लो, पहले गुजरांवाला को देख लो, पहले सियालकोट को, कराची को देख लो, जो कभी एक दौर में बड़ा अच्छा सिटी होता था, सिटी ऑफ लाइट्स, आज वो सिटी ऑफ बंजर बन चुके। ओ भाई एजुकेशन लेवल देखो क्या के सफाई निस्फ ईमान है। अच्छा, हमारे बच्चों को स्कूल में अगर ये बताया जाए कि भी आपने कूड़ा नहीं फेंकना, गंदे आप कहीं भी चले जाएं, आप इधर ही देख लें सराउंडिंग में कैसे लोग, कोई चिप्स खाता है उसका पैकेट फेंक देता है, गंद फेंक देते हैं, जो कुछ भी है, ये हमारा घर है, हमारा मुल्क है। अगर हर बंदा इसे हमारे अपने पाकिस्तान को अपना घर घर समझ, जैसे अपने घर में जो वो रहते हैं, आप गंद नहीं डालते, आप हर चीज का बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे और उनके वहाँ पे सोच में क्या फर्क आप देखते हैं, कि मतलब क्या वजह कि वहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई ये आटा, उधर देखें 1947 में तो एक साथ ही सफर स्टार्ट किया, आज वो आटा 20 रुपए किलो लेके बैठे हुए हैं, हम 170 रुपए किलो लेके बैठे हुए हैं। आज उनके वहाँ पे डॉलर तकरीबन 90 के राउंड बोट, कोई मतलब ठीक है 80-90 के राउंड बोट है, हमारे यहाँ पे 280-290 के राउंड बोट है। उनके वहाँ पे पेट्रोल की कीमत क्या है, हमारे यहाँ पे क्या, ये कैसे हो गया इतना फर्क, कैसे हो गया? वही आपको बता रहा हूँ ना कि बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले हर पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, हर बंदे ने अपने आप को सही करना है। बात ये है कि अगर हम झूठ ना बोलें, कोई भी बंदा अगर इसको तो बुरा समझ ले, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, हम हर बात पर झूठ बोलते हैं तो ऐसे ही होना, वो चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, जैसी आवाम वैसे ही हुक्मरान। 76 साल से जो नारा लग रहा है कश्मीर का, आपको नहीं लगता कि अब ये नारा, मतलब ये जो चूरन बेचा जा रहा है, इसे थोड़ा रोक के कोई डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, जो हमारे साइड पे कश्मीर है कम से कम उसे तो कुछ बेहतर करें। अब तो देखें इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हम आके बेहतर करेंगे, भाई कश्मीर को क्या बेहतर करना है, पहले अपना मुल्क तो बेहतर कर लो, अपना लाहौर बेहतर कर लो, अपना पाकिस्तान बेहतर कर लो, यहाँ पे तो पहले इसको तो देख लो। बात ये कि अपना घर में आग लगी हुई है और आप जा रहे हो कश्मीर को ठीक करने के लिए, ठीक है हमारे भाई हैं, देखो ना फलस्तीन का क्या हाल है, और बाकी जो मुल्क है सीरिया वगैरह, उन सब लोगों को निस्तो नबूद हो गए, ख़त्म हो गए, खंडर बन गए। और बात ये कि हमें पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए, इसमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, जैसे मैं को बता रहा था कि अपने बच्चों को सिखाएं कि वो सच बोलें, और जैसे कि ये लोग कूड़ा फेंकते फिरते हैं, सच बताया जाएगा तो हम सच बोलेंगे ना, रियल हिस्ट्री का बताया जाएगा तो रियल हिस्ट्री बोलेंगे ना। जब हमें सिखाया ये जाएगा कि वो दुश्मन है, ये मतलब ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये काफर है, और ये चीज़ें, जब तक ये चीज़ें हमारे माइंड में होंगी तो कैसे हम वो आगे अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्या होता है, बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, कि इंसानियत का ख्याल किया जाए। मतलब अब बात ये कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले उसका मज़हब पूछेंगे कि भी आपका मज़हब क्या है, फिर मैं आपको हेल्प करूँगा, फर्स्ट एड देंगे पहले। जो भी है, मतलब जितने जो भी जानदार हैं उनमें दरख्त हैं, पौधे हैं, जानवर, जो जो कुछ भी हैं, हर जानदार जिसमें भी जान है, हमें उसका ख्याल करना चाहिए। हमें उसका ये नहीं देखना कि मज़हब क्या है, अभी ये दरख्त जो सामने खड़ा है क्या मज़हब है, कोई मज़हब नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उसके उसको देखना चाहिए। तो हर जी ऐसी सोच के लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और नो डाउट इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि पहले हमें अपने घर को देखना है, पहले अपने लाहौर को, अपने इस्लामाबाद को, अपने कराची को, अपने यहाँ इर्द गिर्द में देख के यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है। 76 साल से हम नारा लगाते आए, 76 साल से हम लोगों के सेंटीमेंट्स को के साथ खेलते आए, लेकिन हमें ना तो कुछ फायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। हमारे रिलेशन कितने खराब हो गए नेबर के साथ। नेबर तो चाहे आपके घर के साथ वाला हो, चाहे मुल्क के साथ वाला, उसका ख्याल रखना चाहिए। आप उसका ख्याल रखेंगे, वो आपका ख्याल रखेगा। तो हुकूमत बाद में ये आता है कि भी आपको अपने नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो आपके इस तरफ है, चाहे वो इस तरफ है, चाहे वो आपका अगर नेबर गैर मुस्लिम होगा तो आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया। तो इस तरह से हमें चलना चाहिए।
बेहतरी कैसे आएगी? ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं या एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड हों, जिनका अपना ही एक माइंड सेट है, उनमें कैसे ये बात? एक मजहबी आप कह लें इंतशार, कि अगर